ये खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत 70% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। सबसे क्यूरियस क्वेश्चन जो होता है कि युवा मतदाता कितने जुड़े हमारी जो इस बार वोटर लिस्ट में, ये हमारा भावी है, हमारा प्रदेश की, हमारा राज्य की भविष्य है। ये इस टाइप का वोटर से लगभग 1,45,220 वोटर्स नया जुड़े हैं। सो उसके बाद हमारा सम्मानित दिव्यांग मतदाता है, ये लगभग 79,965 है। मैं समाज कल्याण विभाग को बधाई देना चाहूँगा, हमारे पास उनका 80,000 पेंशनर्स है। सो सारी जो पेंशनर्स है सबको इन्होंने, दिव्यांगजनों को मतदान का अधिकार जो दिया है 79,965 वोटर्स है। इन लोगों के लिए भी जिसका 40% से ज़्यादा ये है डिजेबिलिटी है, उनका भी होम वोटिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है।